जो टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत का भूगोल क्या है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस देशांतर से किस देशांतर तक है, किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा तक है। पूरा आज हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि जो हमारे भारत की जो बाउंड्रियां हैं किस देश से वो शेयर करता है, कितनी बाउंड्री वो पाकिस्तान से शेयर करता है, कितनी अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो हम आज पूरा भूगोल, पूरा ज्योग्राफी इंडिया की है उसकी शुरुआत करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है, मैं इसके बाद आगे अपने वीडियो डालता रहूंगा, इसमें पूरा भूगोल कवर अप हो जाएगा। दोस्तों, जो भूगोल है उसकी हम शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। तो आप लोगों को पता है जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, उस गोल जो पृथ्वी गोल है उसका एक नया नाम है, उसको बोलते हैं जियोइड, उसको बोलते हैं जियोइड। पृथ्वी की शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड। और दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है? जियोइड है हमारी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने ऐसी काल्पनिक रेखाओं पे बांट दिया है जिससे कि हम पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन पर फाइंड आउट कर सके कौन सी लोकेशन कहाँ है। जैसे किसी हमारे दुश्मन देश पर हमको आक्रमण करना है, मिसाइल छोड़ना है, तो हम कैसे उसकी लोकेशन पता करेंगे, कैसे उसकी जगह स्थिति पता करेंगे कि हम अपनी मिसाइल छोड़ सके। या समुद्र में कहीं हम जहाज से जा रहे हैं और खो गए, समुद्र में पानी पानी चारों तरफ, तो हमारी लोकेशन कैसे पता पड़ेगी कि हम कौन सी जगह हैं पृथ्वी पर। तो इसके लिए हमने काल्पनिक रेखाएं बना दी हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड, और जो देशांतर रेखाएं होती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटिट्यूड जो होते हैं वो क्षैतिज में होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल, जो वर्टिकल रेखाएं पृथ्वी को जो चारों तरफ से हमने काल्पनिक रेखाएं इमेजिन कर ली है उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, जो पृथ्वी को मध्य से, पृथ्वी को जो सेंटर से एक रेखा काटती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बीच से दो भागों में काट देती है। इसका एक और नाम है जीरो डिग्री अक्षांश, इसको हम क्या बोल देते हैं? ये जीरो डिग्री अक्षांश बोल देते हैं, जीरो डिग्री पर है, इसको अक्षांश भी बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा है वो जीरो डिग्री अक्षांश पे है। ऐसे ही एक जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, इस पे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऐसे रेखा जीरो डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री, फाइव डिग्री, तो आखिरी में जो 90 डिग्री आता है वहां पर जो पॉइंट पे चला जाता है, जो रेखा है वो एक पॉइंट मिल जाएगी, जब ऊपर से पहुंच जाएगी तो 90 डिग्री पे क्या एक पॉइंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव है, उत्तर में है और ध्रुव जहां पर पॉइंट हो जाता है अक्षांश उसको बोलते हैं ध्रुव या नॉर्थ पोल। ऐसे नीचे लाइन जाती है, ऐसे ही नीचे लाइन चली जाती है, अक्षांश नीचे भी जाते हैं। ऐसे ही नीचे जहां पर जीरो अक्षांश हो गया उसको हम बोलेंगे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है। दक्षिण ध्रुव नीचे है, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ऊपर आ गया एक पॉइंट है, और नीचे आ गया दक्षिणी ध्रुव। जब हमने इन ध्रुव से होकर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची वर्टिकल, उन रेखाओं को बोला गया देशांतर। और जो जीरो डिग्री पर, जीरो डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया, जीरो डिग्री पर देशांतर खींचा गया, उसी से हमने अपना समय मेजर किया कि किस कंट्री में क्या समय हो रहा है। जो हमारा भारत है वो यहां पर नहीं है, हमारा भारत यहां पर नहीं है। दोस्तों, जो क्षैतिज रेखा है
जीरो डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर उत्तर है, उसके नीचे दक्षिण है। तो ऊपर को हमने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे ही हमने हमारी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया है। जीरो डिग्री देशांतर के, जीरो डिग्री देशांतर के इस साइड है वो हो गया पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड जो है पश्चिमी गोलार्ध। इस साइड वो पूर्वी गोलार्ध है और इस साइड पश्चिमी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर कहीं है हमारा भारत। आज हमको ये पढ़ना है कि हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। आइए हम इस वाले मैप में देखते हैं जो हमारा भारत है वो कहाँ है, पता चल गया हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका जो विस्तार है कितने डिग्री देशांतर से कहां तक होता है, जब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। यहां पर देखिए यहां से जो चालू होता है हमारा उसको हम बोलते हैं 67 डिग्री 4 मिनट। 67 डिग्री 4 मिनट से हमारा जो देशांतर है वो चालू होता है। और यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतर का विस्तार होता है। 67 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक हमारे भारत का विस्तार होता है देशांतर में। देखें इसको हम बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी देशांतर। पूर्वी तो किसका हो गया, पूरी पृथ्वी में पूर्वी हो गया। पश्चिमी किसका हो गया, भारत का पश्चिम इलाका है, इसलिए पूर्वी पश्चिमी देशांतर है 67 डिग्री 4 मिनट। और इधर कौन सा है, पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट। इस तरीके से हमने हमारे भारत को देशांतर का विस्तार बता दिया है, कितने देशांतर से कहां तक है। अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें 97.25 या 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट और 67 डिग्री 4 मिनट का अगर हम डिफरेंस लें तो वो आएगा 82 डिग्री हाफ, मतलब 82 डिग्री और आधा मिनट 30 मिनट। ठीक है, और उस जगह में हमने एक लाइन खींची, देशांतर खींचा है, वो क्यों खींचा है आगे बताएंगे। ऐसे ही हमारा जो भारत है उसका जो विस्तार है उत्तर से लेकर उत्तर तक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब जहां की बात करेंगे उत्तर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत है यहाँ पर है कि उत्तर में है ना, ये जीरो के नीचे दक्षिण है, इसके ऊपर उत्तर है, तो उत्तर में ही है ये, तो इसलिए हम बोलते हैं उत्तर से उत्तर तक। तो यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, मतलब हमारा जो विस्तार है देशांतर का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इस तरीके से हमने हमारे भारत का पूरा विस्तार कर लिया है देशांतर के माध्यम से और अक्षांश के माध्यम से। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ है तो हम कहेंगे हमारे भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8.4 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 7 मिनट अक्षांश तक उत्तर में, और 67 डिग्री 4 मिनट पूरब से
90 डिग्री टू 5 मिनट पूरब तक, इतने में हमारे भारत का विस्तार है। दोस्तों जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में काट